डेटा कैसे बनाएंगे, फिल्टर सॉर्टिंग आज का टॉपिक है जिसमें एडवांस फिल्टर भी देखेंगे हम लोग। पर उससे पहले कि कभी भी हमें टेस्टिंग के लिए अगर डेटा चाहिए तो डेटा कैसे बनेगा। डेट का मैंने जो आपको बताया था कि डेट जो होती है हमारी कंट्रोल सेमी कॉलन से एक नंबर ही होता है, ठीक है। करंट डेट जो चल रही है हमारी 42547, ये नंबर चल रहा है। रेंड बिटवीन का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। तो अगर मुझे कुछ रैंडम डेट्स चाहिए तो मैं 42,000 से 43,000 के बीच में ये दे दूंगा रैंड बिटवीन में। ये क्या करेगा, कोई भी नंबर जनरेट करेगा 42 से 43 के बीच में। और जिसको मैं अगर डेट फॉर्मेट में कर दूं Ctrl Shift 3 तो आपकी रिसेंट कोई भी डेट्स आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो नंबर तो चेंज होंगे, ठीक। देन नेम सिटी और सेल्स, मान लो सेल्स नेम सिटी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कस्टम लिस्ट देखा था हमने, कस्टम लिस्ट में नेम सिटी आप ऐड कर सकते हो। और ये रैंड बिटवीन 10 से 90, ठीक है। अब ये वाला जो है नेम कैसे ड्रैग होंगे, क्योंकि मैंने फाइल में ऑप्शंस में जाके एडवांस में एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये पहले से बना रखी है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या होगा, मेरा अभी मैंने एक ड्रैगेबल डेटा बना लिया है, तो इसको मैं जब ड्रैग करूँगा तो मेरा कहीं तक भी ड्रैग करूँ मेरे पास एक डेटा आ जाता है, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लिया ताकि बार बार चेंज ना होता रहे। तो ये मेरे पास कभी भी डेटा प्रैक्टिस के लिए हो जाता है, बस आपको कुछ सेकंड्स लगते हैं और आपका डेटा प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी डेटा है तो हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है, कब करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ इस पे, Ctrl Shift L दबाया, फिल्टर अप्लाइड हो गया। तो अभी फिल्टर की रेंज फुल आ रही है, ले रहा है जितने भी थे इसमें। तो ये होता क्या है कि देखो आपका डेटा उससे पहले कि ये क्या काम कर रहा है, Ctrl A दबाया मैंने किसी पे तो ये डेटा सिलेक्ट कर रहा है, एक बार और दूंगा तब Ctrl All हो रहा है। तो ये क्या होता है, रीजन होता है, डेटा रीजन कहते हैं इसको। तो डेटा रीजन के अंदर जो भी आपका डेटा होता है, अगर आपका क्लिक उसमें कहीं पे भी है, कर्जर कहीं पे भी है, कोई भी ऑप्शन अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो डेटा रीजन को ही बेस मान के ले लेता है, अपने आप पकड़ लेता है, ठीक है। अब रीजन डिसाइड कैसे करता है वो, अगर आपकी कोई भी रो या कॉलम एक भी पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है एक भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ से वहाँ से, कहने का मतलब कोई भी ब्लैंक रो ना हो तो ये रीजन के अंदर डेटा लेता है। अगर ब्लैंक रो आ गई तो रीजन टूट जाता है, सारे ऑप्शन एज इट इज काम करेंगे फिर, ठीक है। तो अगर मैंने इस पे फिल्टर भी लगाया तो ये नीचे वालों को नहीं लेगा, खाली ये 3-4 आइटम जो है उन्हीं को ही लेगा, ठीक है। और जहाँ मैंने इनको कनेक्ट किया वहाँ पे ये फुल रीजन में फिर से आ गया। कहने का मतलब रो कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लैंक जब है, बहुत सारी लाइन ब्लैंक है, उस समय आपको करना है, तब आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ता है कि इसकी रेंज कहाँ तक है, आपका रीजन कहाँ तक है, अगर ब्लैंक है तो तब आता है, तब हमें सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ? नहीं, वो सिलेक्ट सिलेक्ट कर लो फिर। हाँ, अब सिलेक्ट कर लोगे तो वहाँ तक आपका रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए जैसे आप क्लिक ले जाते हो, आपको पता ही है डेटा रीजन के अकॉर्डिंग वर्क करता है,
सॉर्ट ऑन फिल्टर में आपका कर्सर अगर डेट पे है तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट दिखाएगा, टेक्स्ट पे है तो ए टू जेड दिखाएगा, नंबर पे है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखाएगा। मतलब इसको मालूम है कि आप क्या करने वाले हो, मतलब किस तरह का डेटा उसके अंदर है। तो जैसे मान लो डेट अगर करता हूँ, सारा डेटा उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट होगा, ठीक है, पूरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये पूछता है कि एक्सपेंड करूँ कि इतने को ही करूँ। अगर मैं ऐसे करके करूँगा कंट्रोल जेड, सॉर्ट, ठीक है, फिर ये वाला हो जाएगा। अभी नहीं पूछ रहा ये, पर जब पहली बार सॉर्ट करोगे तो पूछेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन और करंट कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, इस तरीके से। अभी तो ये सिंगल लेवल की सॉर्टिंग थी जो हमने की। सिंगल लेवल की सॉर्टिंग में मतलब एक कॉलम के बेस पे हुआ। अब मान लो मुझे क्या करना है, पहले इनको ए टू जेड सॉर्ट करना है नेम को, और फिर उसकी सेल्स जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करनी है हर एक नेम की, ठीक है। तो इसमें हमें लेवल वाइज सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम कस्टम सॉर्ट से करते हैं। कस्टम सॉर्ट में आप सॉर्ट बाय, अगर आपके कॉलम के नाम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अनचेक हो सकता है, ठीक है। तो ये चेक करेंगे तो आपके कॉलम के नाम आ रहे हैं। तो पहले मुझे नेम करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ करना है। किस बेसिस पे आप कर सकते हैं, सेल कलर पे, फॉन्ट कलर पे, सेल आइकन पे, इनके बेसिस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वैल्यू के बेस पे करने वाले हैं ए टू जेड। देन मुझे दूसरा लेवल चाहिए तो ऐड लेवल कर सकता हूँ। इसमें मैंने ले लिया सेल्स और ये रहेगी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये प्रदीप यहाँ से हो गया, नेम लिया था कि नहीं लिया था, और ये आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, हर एक नेम के लिए। उसके बाद जैसे कि मुझे मान लो कि कुछ डेटा मैं ऑडिट कर रहा हूँ, बाकी भी हैं इसमें, हाँ, कुछ डेटा ऑडिट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये येलो फिल किया, ये येलो फिल किया, ये इस तरह से कुछ डेटा मैंने येलो फिल कर दी। अब मैं येलो वाले को टॉप पे लाना चाहता हूँ बेस्ड ऑन कलर। मैं क्या करूँगा, ये डिलीट लेवल से लेवल डिलीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेल कलर, और जो अवेलेबल कलर होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपके पास दो ऑप्शन है इसमें, आप चाहे टॉप में रखें चाहे बॉटम में रखें, टॉप में कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक और तरह की दिक्कत है डेटा में, और उसमें मैंने ये ऑरेंज ब्राउन टाइप का कलर कर दिया, ठीक है। अब ये ब्राउन वाले को मैं टॉप में लेना चाहता हूँ, उसके ठीक नीचे येलो वाला होगा, फिर उसके नीचे पूरा डेटा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कॉपी लेवल कर लेंगे, सेम ही चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ब्राउन वाले को सबसे ऊपर रखना है, येलो वाले को ये बताइए कि मैं यहाँ पे टॉप करूँगा बॉटम करूँगा, टॉप ही रखेंगे इसको, क्योंकि वो प्रायोरिटी वाइज काम करता है, जिसकी प्रायोरिटी पहले सबसे पहले वो चलेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, ठीक है। बॉटम कर दोगे तो वो नीचे पहुंच जाएगा, टॉप ही रखना है इसमें। इसी तरह से आप इसमें जैसे आपने फॉन्ट कलर किया है, सेम इसी तरह से आप वो भी कर सकते हो फॉन्ट कलर के बेस पे। तो सेल कलर नहीं चाहिए मुझे, नेम में फॉन्ट कलर चाहिए, और फॉन्ट कलर अवेलेबल वाला बता देगा, टॉप बॉटम इसके अंदर भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो।
आइकन्स कैसे यूज़ करते हैं ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताऊंगा, पर फिलहाल मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। आइकन सेट में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कोई भी क्लिक कर देंगे, इनकी सेटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ राइट वाले ऊपर आए, एक्सक्लेमेशन वाला बीच में आए और क्रॉस वाले नीचे आए सारे, ठीक है। हाँ खुद से कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेशन में मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सेल आइकॉन्स भी हैं, सेल आइकॉन किस में है हमारे सेल्स में, तो अवेलेबल सेल आइकॉन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ गया, कॉपी लेवल किया, मैंने कहा मिडल में मेरा ये एक्सक्लेमेशन आना है, राइट तीन ही आइकन है तो तीसरा वाला नीचे आ ही जाएगा। तो ये आपका डेटा इस तरह से सॉर्ट हो गया। सबसे लास्ट में जो क्रॉस में, ठीक है, तो आइकन के बेस पे भी सॉर्टिंग हो सकती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल क्लियर करना हो तो क्लियर रूल में जाके हो जाता, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको सिलेक्ट करके ही हर चीज़ देनी पड़ती है। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मंथ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको डेट मिली नहीं होती, मिला होता जनवरी फरवरी, कल जो हमने कस्टम फॉर्मेट किया है, मैंने बताया था कि विजिबिलिटी के लिए वैल्यूज़ को, मतलब वैल्यू की विजिबिलिटी हम चेंज करते हैं खाली, अगर आपको रियलिटी में ही वही वैल्यू चाहिए तो आप वही सारे कोड्स टेक्स्ट के फार्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के फार्मूला में आपको रेफरेंस देना होगा वैल्यू का, और फॉर्मेट टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ता है। तो अगर मंथ निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, MMM, ठीक है, सारे कोड यूज़ हो जाएंगे। तो फर्क क्या होता है, ये वैल्यू आपको रियल में मिलती है यहाँ, ठीक है। पेस्ट एज वैल्यूज़ करूँगा तो आप देखोगे कि ये आपकी रियल वैल्यू, ठीक है। अब मुझे डेटा सॉर्ट करना है जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से, और डेट के कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या करूँगा, मंथ सॉर्ट ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू, ए टू जेड लूँगा, जेड टू ए लूँगा, क्या करेंगे। देखो अगर ए टू जेड करते हो तो अप्रैल आएगा, फिर अगस्त आएगा, क्योंकि उसे क्या पता मंथ है ये, है ना, ये तो उसके लिए टेक्स्ट है। इसके लिए इसमें क्या होता है, हम जाएंगे कस्टम लिस्ट पे, जो कस्टम लिस्ट हमने बनाई थी उसमें क्या है कि आप हाँ जनवरी फरवरी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी सिस्टम में होते हैं, और जो आपने खुद बनाई है उन लिस्ट का भी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे जनवरी फरवरी करना है मैंने, तो ऑर्डर सिलेक्ट किया और ये हो गया आपका जनवरी, जिस ऑर्डर में उसमें लिखा हुआ है उस ऑर्डर में ये हो जाएगा। अब इसका आप फ़ायदा क्या ले सकते हो सॉर्टिंग में, कि जैसे डेजिग्नेशंस हैं, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आदमी को पता है, कंप्यूटर को नहीं मालूम, वो लिस्ट बना सकते हो, कस्टम लिस्ट में डाल दी, उसके बेस पे सॉर्ट कर लिया। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से कैसी भी सॉर्टिंग करा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अभी जो भी हम कर रहे थे टॉप टू बॉटम सॉर्ट कर रहे थे, हम चाहें तो ये ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट का भी। इसमें क्या आएंगे, फिर आपकी रो नंबर आएंगे, जैसे पहली रो मैंने सिलेक्ट कर लिया ए टू जेड, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गए, हाँ ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सॉर्ट हाँ हो जाता है कई बार, जनवरी फरवरी का ही लगा लो आगे पीछे हो उसको करना है। तो कस्टम सॉर्ट में ये
सब होता है, और क्या कहते हैं लेवल्स जो आप यूज़ करते हो, तो लेवल जो हम ऐड लेवल डिलीट लेवल करते हैं, ये लेवल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम एक में? 64। कॉलम कितने? हाँ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पर जो सॉर्टिंग होगी केवल 64 लेवल्स तक होगी, एक्सेल की लिमिट है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि आप फिल्टर में अगर देखो, अब फिल्टर पे चलते हैं, तो फिल्टर में ये जो लिस्ट आती है इसकी भी लिमिट होती है 10,000 यूनिक वैल्यूज़। इससे मतलब 10,000 यूनिक वैल्यूज से ज़्यादा ये कंटेन नहीं कर सकती। हाँ हाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका सॉर्टिंग के डाटा को पता, सॉर्टिंग ऑप्शन को मालूम है क्या यूज़ कर रहे हो, इसी तरह फिल्टर को भी पता है। ये डेट फिल्टर आ रहा है, डेट है तो डेट फिल्टर आएगा और डेट के ऑप्शन आएंगे अलग अलग। इसी तरह टेक्स्ट में जाओगे तो टेक्स्ट फिल्टर आएगा, अलग ऑप्शन आएंगे। ठीक है, नंबर पे जाओगे नंबर फिल्टर आएगा, अलग ऑप्शन आएंगे। तो इन ऑप्शन को देखते हैं, जनरल वाले आप लोग को पता होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम डेट में करना चाह रहे हैं, जैसे डेट में इन्हीं ऑप्शन से इक्वल, तो सिंपल है कि आपका इक्वल टू ये डेट बिफोर, मैं चाहता हूँ कि जैसे आज की डेट से पहले का डेटा दिखाई दे, तो आज की डेट से बिफोर उससे पहले का डेटा आएगा। ठीक है, हाँ वो फिल्टर हो जाएगा। आफ्टर आफ्टर का आएगा, बिटवीन फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, जैसे कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का डेटा, वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, टुमारो कल की कोई डेट होगी तो वो हो जाएगी। इसी तरह टुडे आज की कोई डेट होगी तो वो फिल्टर हो जाएगी, आज की आ रही है। ठीक है, यस्टरडे कल आने वाली डेट नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीक में कोई डेट हो, ये रही डेट्स। दिस वीक में, इस हफ्ते में कोई डेट हो तो ये है। लास्ट वीक में, बीते हुए हफ्ते में। हाँ वीक संडे से, संडे से जो आपके सिस्टम की लोकल सेटिंग होती है वैसे वीक काउंट करता है, संडे से हफ्ता स्टार्ट करता है। नहीं वैसे ही नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की डेट्स, इसी तरह दिस मंथ, इस महीने की लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, अगला क्वार्टर जो आएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, दिस क्वार्टर जो है आपका अप्रैल मई जून का हो गया, लास्ट क्वार्टर फिर जनवरी फरवरी वो वाला आएगा, नेक्स्ट ईयर अगले साल का, दिस ईयर दिस साल का, लास्ट ईयर बीते हुए साल, ईयर टू डेट, मतलब जैसे इस साल के शुरुआत से आज तक की डेट का डेटा। ठीक है, हाँ 1 जनवरी 2016 से आज तक की डेट का डेटा। फिर आपके पास है ऑल डेट इन पीरियड, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 जनवरी फरवरी, पर सबका क्वार्टर 1, हर ईयर का क्वार्टर 1। ठीक है, हाँ अब जैसे जनवरी खाली करूँगा यहाँ से, तो जनवरी हर ईयर की जनवरी का डेट, तो इस तरह से आपका फिल्टर चलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है देखो, कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ से और इधर से कोई एक ले लिया, तो अगर आपको मल्टीपल फिल्टर एक साथ क्लियर करने हैं, तो आपके पास ना डेटा में क्लियर का बटन होता है, ऑल्ट ए सी शॉर्टकट है इसका, सी। हाँ इसमें आपको फिल्टर हटाने की ज़रूरत नहीं, क्लियर में मार सकते हो, तो ये सारे फिल्टर्स एक साथ क्लियर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर को देखते हैं, नंबर फिल्टर्स को। इक्वल डज नॉट इक्वल आपको पता है, डज नॉट इक्वल में क्या होगा, वो नंबर को और उसको छोड़ के सारा डेटा दिखा देगा, ग्रेटर देन तो किसी इससे बड़े वाला डेटा,
लेस देन उससे छोटा डेटा, तो ग्रेटर देन लेस देन, बिटवीन, बिटवीन का भी आपको पता है दो रेंज दे देगा। हाँ टॉप टेन, ये थोड़ा सा अलग है, टॉप टेन आइटम्स, टेन का मतलब टेन ही नहीं है, आप थर्टी फिफ्टी जितना भी लिख सकते हो, आपके पास टॉप और बॉटम दो हैं, तो टॉप में मतलब हाईएस्ट वाले, बॉटम में लोएस्ट वाले, तो ये आपको दिखा रहा है टॉप टेन आइटम्स। हालांकि जब डेटा ज़्यादा होता है तो इसमें इसका रिजल्ट अनयूजुअल आता है थोड़ा सा, 15 दिखा रहा है, तो इसका जो है बाकी ऑप्शंस का सही है, इसका थोड़ा सा गड़बड़ है एक्सेल के फिल्टर्स में, ये वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ काम करता है, जबकि इसको दिखाने चाहिए कायदे से 10 आइटम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यूनिक में नहीं है, देखो 88 कितनी बार आ रहा है तब भी। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कई बार सही दिखाता है, कम डेटा होगा सही दिखाएगा, ये इसमें होता है प्रॉब्लम है एक्सेल की है। 10% देखो, टॉप 10 और 10% का मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड, जैसे आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 286 रिकॉर्ड है, हाँ तो 286 रिकॉर्ड्स का 10% वो 29, हाँ तो वो 29 रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो ये परसेंटेज होती है। ऐसा नहीं कि वो क्यूमुलेटिव निकालेगा कि हाईएस्ट में से 10% कंट्रीब्यूशन, ये नहीं है, परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वाले, ठीक है। इसी तरह से आपका बॉटम भी है, ठीक है, बॉटम वाले में भी सेम काम होता है, अबव एवरेज, अब इसमें क्या करेगा, पूरे कॉलम की एवरेज ले लेगा, एवरेज से जो बड़े वाले हैं उनको ले लेगा, और बिलो एवरेज, एवरेज से छोटे वालों को ले लेगा, ठीक है। अब देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट कस्टम फिल्टर वही है जो आपका ना, अभी बताता हूँ उसमें भी आता हूँ, यही ऑप्शन खुल के आएगा, इसमें आपको मैनुअल लगाने पड़ते हैं बेसिकली, ये लेस देन, ग्रेटर देन, सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, हाँ वही जो होते हैं इसमें, ये एंड और का होता है, एंड और का फ़र्क पता क्या है, जैसे कि हाँ देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे प्रदीप का चाहिए डेटा और इक्वल्स एंड रवि का चाहिए, तो बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसमें वैसे कोई डेटा नहीं दिखाएगा अगर एंड पे या कर जो, ये जो रूल अप्लाई होता है वो सिंगल सेल पे होता है एंड वाला, इसका मतलब है प्रदीप रवि दोनों ही होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हाँ तो और एक सेल पे अप्लाई होता है, एक एक सेल पे, तो और करेंगे या तो प्रदीप हो या तो रवि हो, ऐसे करते हैं, ठीक है, तब आपको दिखाएगा। इसकी क्लैरिटी लेनी हो जो, तो आप जैसे बिटवीन वाला ऑप्शन यूज़ करते हो ना, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, बिटवीन में एंड का ऑप्शन यूज़ होता है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि 10 से 50 की रेंज बीच की होनी चाहिए, तो क्या आ रहा है, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 10 के बराबर या उससे बड़ा हो, और छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 50 के, तो ये दो कंडीशन एक ही सेल में मैच मारती है, इसलिए एंड लगाया इसमें, ठीक है। अब टेक्स्ट फिल्टर को देखते हैं, टेक्स्ट में जैसे है आपका इक्वल डज नॉट इक्वल सेम है, बिगिंस विद देखते हैं, ऐसे स्टार्ट होने वाला डेटा आ गया, एंड विद में एच से एंड होने वाला डेटा वो है नहीं इसमें, चलो कुछ और लेते हैं, एंड विद यू, ठीक है, तो यू जिसके एंड में कंटेन्स हो जाएगा आपका, कहीं भी हो डबल ई मिले उसमें, मिल गया, डज नॉट कंटेन उसी का रिवर्स है। अब एक चीज और देखो इसमें, जब हम ये खोलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है
यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, यूज स्टार टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा नाम ही ले लेते हैं, अब यहाँ पे कोई इसको ऐसे लिखेगा, एस यू एन करके लिख देगा, कोई ये डबल ई की जगह आई डाल देगा, तो अब मुझे ये डेटा सारा एक साथ फिल्टर करना है। कैसे करेंगे? तो मुझे ये पता है कि मेरे पहले करेक्टर में गड़बड़ हो सकती है, एक ही जगह कुछ और आ सकता है, वहाँ पे मैं दे दूँगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है एनी करेक्टर, कुछ भी आ जाएगा हो जाएगा। तो यू वाला तो आ गया, आई वाले के लिए जुगाड़ करना है। तो आई वाले के लिए देखो यहाँ पे दो करेक्टर हैं और इसकी जगह एक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो जहाँ मल्टीपल करेक्टर कन्फ्यूजन हो वहाँ स्टार लगा देंगे, एनी सीरीज ऑफ करेक्टर। तो इसका मतलब है एस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोई भी करेक्टर, फिर होगा एन डी, और उसके बाद बीच में कितने भी करेक्टर होंगे और एंड होगा ये पी से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ जो मैंने अभी दिखाया था बिगिंस विद, उसमें क्या अप्लाइड है, एस और स्टार, मतलब आगे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो गया बिगिंस विद। एंड विद जो था, बिगिन विद अपने आप सिलेक्ट हो गया ना, हाँ। एंड विद जो था मैंने कहा कि यू हो, मतलब आगे कुछ भी और बाद में यू, आगे स्टार आ गया, इस तरह से हो गया। और फिर कंटेंट्स वाला कराया था तो आगे स्टार है पीछे, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो बीच में ये होना चाहिए, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से। अब इससे और क्या पॉसिबिलिटी निकलती है, अगर मैं चाहूँ कि जैसे जिनका नाम पांच अक्षर का है वो फिल्टर हो जाए, क्या करूँगा, पांच बार क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। आ गया, खाली यही है पांच अक्षर का, ठीक है। तो समझ आया इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क स्टार, इसी चीज़ को आप क्वेश्चन मार्क स्टार सम एफ काउंट एफ वगैरह इन सब में भी यूज़ कर सकते हो, फाइंड रिप्लेस में भी यूज़ कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो, जैसे मैं अगर करूँ, ठीक है। ये देखो चार करेक्टर पांच करेक्टर का नाम, ये ज़्यादा है, ये कुछ और दिखा रहा है, छोड़ो ऐसे नहीं चलेगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये वो एक्चुअली करा तो सही है उसने, वो सिटी को उसने पकड़ लिया हुआ। यहाँ अगर करते हैं पहले चार, चार पे चार ही लेने चाहिए ना, पाँच अच्छा हाँ, ओहो हो समझ गया क्या हो रहा है। ये देखो ऑप्शन में देखो, इसमें मैच केस में आओ, अब करेगा तब ये एग्जैक्ट पकड़ेगा, नहीं अब भी गलत पकड़ रहा है यार, मैच एंटायर सेल कंटेंट ये ले, अब मार, अब सही पकड़ेगा, ठीक है। इसमें फाइंड रिप्लेस में ना खाली आप यही नहीं, कलर भी कर सकते हो, जैसे कि एक बार मेरे पास काम आया था कि कलर हुआ था कहीं, मान लो ये येलो कलर है, ठीक है। अब ये कलर भी फाइंड कर सकते हो फाइंड रिप्लेस में, यहाँ पे फॉर्मेट होता है ना, मतलब ये तब खोलोगे जब ये ऑप्शन होगा, तो फॉर्मेट आप चूज फ्रॉम सेल भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप फॉर्मेट वाला वो बॉक्स खोल लो उसके अंदर चूज करो, या फिर सीधा ये पिकर से लगा दो कि ये वाला फाइंड करे, ठीक है।
रिप्लेस में जाके आप करो, इसको मार बोलिए, रिप्लेस में मैं फॉर्मेट सेट कर देता हूँ कि फिल उसका ये वाला हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। रिप्लेस ऑल मारते ही ये सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलर भी फाइंड रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे एडवांस फिल्टर की, अब एडवांस फिल्टर देखते हैं। एडवांस फिल्टर के लिए आपको हेडिंग्स चाहिए होती हैं, या आपका डेटा में जाएंगे तो यहाँ एडवांस फिल्टर होता है। अब आप कहेंगे मुझे संदीप का डेटा फिल्टर करना है, ठीक है। एडवांस फिल्टर में जाओ, आप लिस्ट रेंज चूज करो, अभी मैंने कर्जर यहीं लिखा था रखा था तो अपने आप आ रहा है। क्राइटेरिया रेंज को मैं विद हेडिंग सिलेक्ट करूँगा और क्राइटेरिया सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये डेटा आपका फिल्टर हो जाएगा, क्लियर भी यहीं से ही होगा, यहाँ फिल्टर का साइन नहीं होगा पर ये फिल्टर होगा, ठीक है। आप चाह रहे हो कि संदीप का दिल्ली का डेटा आ जाए, है ना। एडवांस पे गए, सेम है, आ गया। आप चाहते हो कि सेल जो है वो ग्रेटर देन 50 भी होनी चाहिए, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि उसमें सारी चीज़ें आएंगी, ऑल है उसका मतलब। बाकी जहाँ क्राइटेरिया देते जा रहे हो वहाँ वैसे काम करेगा। तो अब मैंने कहा कि ये होना चाहिए, ठीक है, समझ आया कैसे हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि संदीप का ग्रेटर देन 50 और दिल्ली का होना चाहिए, प्रदीप का ऑल होना चाहिए सारा, इस हिसाब से भी दे सकते हो। तो कितने भी बढ़ा सकते हो उसके नीचे आप, बस आपको ये क्राइटेरिया रेंज जो है फुल लेना है जहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो संदीप का प्रदीप का दोनों का क्यूमुलेटिव डेटा यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। संदीप का खाली वही जो दिल्ली का है और ग्रेटर देन 50 है। तो ये क्राइटेरिया यूज़ करके आप कैसा भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब इसी में एक और चीज़ है, क्लियर करता हूँ। आपको चाहिए कि ये डेटा मेरे को कहीं और पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, और कॉपी कहाँ करना है मैं कहता हूँ यहाँ कर दो, फिल्टर ना लगाए डेटा यहाँ दे दे। तो यहाँ पे जब आप ओके करोगे तो ये डेटा यहाँ पेस्ट कर देगा, पर ये चीज़ सिर्फ सेम शीट पे ही हो सकती है। आप चाहोगे दूसरी शीट पे पेस्ट कर दो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया दिया था उसका डेटा ऐसे पेस्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ से कट करके ले जाओ। इसमें क्या है कि आपका बैकग्राउंड का डेटा नहीं और सिलेक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि हमने लगा रखा है यहाँ से, और यहाँ से मैंने कर दिया कि यहाँ से दिल्ली का डेटा फिल्टर किया, और यहाँ से कुछ और फिल्टर किया रवि को। अब ये डेटा मैं कॉपी करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। कॉपी, देखो अगर ये जो लाइनें, ये जो आ रही हैं चलती हुई लाइनें बीच बीच में आ रही हैं तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये सारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ता है सिलेक्शन, या ऑल्ट सेमी कॉलन दबा सकते हो आप। उसमें क्या है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ विजिबल सेल्स पे हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके, हाँ, गो टू स्पेशल में, फाइंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, होम के अंदर विजिबल सेल्स ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी सेम काम करेगा, ठीक है। फिर कॉपी करें, पेस्ट करें, पीछे की जो डेटा है वो आपका नहीं आएगा। तो वैसे सारा डेटा कॉपी, हाँ, कई बार पीछे का डेटा आपका ज़्यादा डेटा होता है उसमें हो जाता है, तो हाँ 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 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ बची है, जैसे यूनिक वैल्यूज़ देखनी है मुझे। इसका एक तरीका है कि मैं या तो कॉपी करके पेस्ट करूँ यहाँ, और फिर यहाँ से डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दूँ। अगर हेडिंग है तो यहाँ पे क्लिक रहने दो, तो ये आ गई, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़। यही ऑप्शन आपके एडवांस फिल्टर में भी अवेलेबल है। आपने ये सिलेक्ट करना है,
एडवांस को क्लिक किया, लिस्ट रेंज को मैं चूज़ कर लेता हूँ कि ये हो गया, ठीक है। कॉपी टू अनदर लोकेशन भी मेरा चलेगा, क्राइटेरिया मेरा कोई भी नहीं रहेगा, और किस लोकेशन पे पेस्ट करना है मैंने कहा यहाँ करना है। इसके साथ मैं क्लिक करूँगा कि मैं ये कॉलम इधर पेस्ट करना चाहता हूँ यूनिक रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो उसमें से यूनिक छटके यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे, तो ये आपका एडवांस फिल्टर के अंदर भी होता है। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ये जो यूनिक वाला है वो दूसरी शीट पे भी ले जा सकते हैं? यूनिक वाला नहीं ले जा सकते, सेम ही शीट पे चलेगा, दूसरी शीट पे नहीं जाते हैं।